नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हाजिर हूँ फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम सेल्फ आईब्रो कैसे बनाएंगे, तो किस तरह से बनाई जाती है और अगर इतनी केयरफुली कैसे बनाएं कि हमारी जो आईज़ के नीचे का ये जो एरिया होता है इस पर कट ना लगे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी लोगों की कंप्लेंस होती है कि अगर हम खुद से आईब्रो बनाते हैं तो ये इस एरिया पे कट लग जाता है, क्योंकि हमारी आईज़ का ये एरिया जो अपर एरिया होता है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है और सॉफ्ट होता है और स्किन भी काफ़ी ये लूज़ होती है, तो इस पर कट लग जाते हैं। अगर खुद से आईब्रो बनाते हैं तो इसे टाइटनिंग कैसे देंगे और कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेल्फ आईब्रो बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे थ्रेड। थ्रेड को हम इस तरह से ले लेते हैं और हमें इतना थ्रेड लेना है कि हम इसे डबल करके एक नॉट लगा देंगे, दोनों को, दोनों किनारों को, दोनों सिरों को इकट्ठा करके हम इसे एक छोटी सी नॉट लगा देंगे। और नॉट लगाने के बाद ये इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे ही बनाएंगे, अगर हमें आईज़ के ऊपर आईब्रो बनानी है, जो हमारी ये थ्रेडिंग होती है इसके ऊपर से अगर हमें शेप देनी है या फिर एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं तो हमें टेपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसे ही इसे रोल करेंगे एक हैंड से और इस तरह से अपनी आईज़ के बिल्कुल टाइट टाइट से इस तरह से हम थ्रेड चलाएंगे। और इसी तरह से हम दूसरी आईब्रो के भी बाल को और इसी तरह हमारे अपर लिप्स पे भी हम इसी थ्रेड की हेल्प से, अगर एक्स्ट्रा जो बाल होते हैं उसे हमें रिमूव करना है तो हम इसी थ्रेड्स की हेल्प से कर सकते हैं। आपको इस एरिया को थोड़ा टाइट रखना है टंग की हेल्प से। आप टंग को इस यहाँ पर अपर उठाएंगे तो चलिए अब हम सेलो टेप की हेल्प से यहाँ के बाल निकालते हैं। तो हमें 3 to 4 इंच सेलो टेप लेनी है। तो आईज के ये नीचे वाले पोर्शंस को हम थोड़ा स्ट्रेच देंगे सेलो टेप की हेल्प से। तो मैं थोड़ी सी सेलो टेप ले लेती हूँ 3 to 4 इंच। आईज को बंद करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ हम इसे स्ट्रेच दे के लगाएंगे। थोड़ा स्ट्रेच देना है, ऐसे ही थोड़ी सी सेलो टेप और लूँगी क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेच देना है दोनों साइड से कि स्किन जो है बिल्कुल भी लूज ना हो। तो इस तरह से यहाँ पे भी थोड़ा सा साइड से, अब ये स्किन बिल्कुल टाइट हो चुकी है। हमें इस एरिया को भी थोड़ा अपर उठाना होता है, तो एक छोटी सी सेलो टेप मैं यहाँ भी लगा दूंगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आईज पर बिल्कुल भी कट नहीं लगेंगे। तो यहाँ भी ऊपर की तरफ उठाते हुए हमें थोड़ा
सेलो टेप यूज़ करना है। तो चलिए हम अपना आईब्रो बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा आईज को, पलकों को भी ऊपर उठाएंगे। तो मेरी इस आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल रिमूव हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थोड़े ही थे, तो वो भी रिमूव हो चुके हैं। तो अभी मैं इसे हटा दूँगी। तो इसी तरह हम दूसरी आईब्रो को भी स्ट्रेच करके सेलो टेप की हेल्प से इसे स्ट्रेच देंगे। थोड़ा सा आईब्रो को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके खींचना भी है आपको, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना है। फिर आपका थ्रेड देखिए कैसे चलेगा, और आपको बिल्कुल पेन भी ज़्यादा नहीं होगा, और आपके इस आईब्रो पर कट भी नहीं लगेंगे। तो देख रहे हैं छोटे छोटे हेयर्स थे वो रिमूव हो गए हैं। बाकी मुझे केयरफुली करना पड़ता है कि थ्रेडिंग के अंदर से कोई एक्स्ट्रा बाल ना निकल जाए। ज़्यादा बाल थे नहीं, ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े होते हैं, तो मैं इसी तरह से निकाल देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे कि मेरी थ्रेडिंग के जो एक्स्ट्रा बाल थे वो रिमूव हो चुके हैं। आप इसी तरह से इसको भी आप हटा देंगे। आप इसी थ्रेड की हेल्प से आप चाहो तो फोरहेड क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस मेरी सेल्फ आईब्रो हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आई होप ये यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।